पहला वाला वीडियो था, इसके पहले वाला, उसमें हमने देखा था महलवारी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से हमने चारों सिस्टम को देख लिया था, लैंड रेवेन्यू जो टैक्स वसूला जाता था उसके चारों सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, इजारादारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट, रैयत वाली सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ठीक है। ये चारों सिस्टम जो अंग्रेजों ने बनाए थे टैक्स वसूलने के, अलग अलग जो उनका तरीका था इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, तो ये चारों पॉलिसीज से उसने टैक्स वसूला। तो इस पॉलिसीज के वजह से एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा, वो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू पॉलिसीज ऑन एग्रीकल्चर, ठीक। द ब्रिटिश एक्सपेरिमेंटेड वेरियस पॉलिसीज फॉर द लैंड रेवेन्यू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ विच एम्ड टू एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम रेवेन्यू। और जितने भी पॉलिसी बनाए थे स्टूडेंट, उसने सबका उद्देश्य एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे को टैक्स के रूप में वसूलना किसानों से। Hence, the condition of peasant became miserable. किसानों की हालत दयनीय हो गई, किसान टैक्स देते देते तबाह हो गए, टैक्स फसल बेच के जब टैक्स पूरा नहीं होता था वो कर्ज लेकर भी टैक्स देते थे, और जिससे कि उसका जो कर्ज के जाल में वो फंस जाता था, और उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई थी किसानों की। ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा काम करके भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा था। लैंड बिकम ए सेलेबल कमोडिटी, अब जमीन जो है वो बिकने वाला वस्तु बन गया। एक किसान नहीं दे पाता था वो जमीन बेच देता था दूसरे को देने के लिए, टैक्स देने के लिए। बेगारी और बॉन्डेड लेबर इंक्रीज, बेगारी बढ़ गया था, बॉन्डेड लेबर बढ़ गया, है ना, बॉन्डेड लेबर बंधुआ जो मजदूर होते हैं उनकी संख्या बढ़ गई, बेगारी बढ़ गया, यानी कि तरह तरह के दिक्कत आते जा रहे थे। एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू स्टैगनेंट, खेती का स्थिति जो है सुधार उसमें होने वाला नहीं था, वो स्टैगनेंट था। ना तो जमींदार उसकी परवाह करते थे, ना अंग्रेज उसकी परवाह करते थे। सिंचाई कैसे होगा, इरिगेशन फैसिलिटी, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इनकी किसी को चिंता नहीं थी। द सेल्फ सफिशियंसी ऑफ द विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड, और जो खेतों जो गांव का जो सेल्फ सफिशियंट जो सेल्फ आत्मनिर्भर था गांव, वो खत्म हो गया। अब वो एक गरीबी उसके अंदर आ गया और वो किसी भी तरह से उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। देयर वाज ए शिफ्ट टुवर्ड्स द कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, अब किसानों पर फोर्स दिया जाने लगा कि वो कैश क्रॉप की खेती करे, क्योंकि कैश क्रॉप की जरूरत अंग्रेजों को थी। शुगर कैन, जूट, ऑयल सीड्स, कॉटन, ग्राउंडनट, ईटीसी, ये सारे क्रॉप्स अंग्रेजों के द्वारा फोर्स करके खेतों में लगवाए जाते थे। और अकाल भी रेगुलर इंटरवल पे अकाल पड़ने लगा, जिससे कि सॉइल की जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो भी खत्म हो गई थी। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लांटेशन फार्मिंग। इसमें हम देखते हैं द सेल्फ सफिशियंसी ऑफ इंडियन विलेज वाज कम्प्लीटली ब्रोकन अंडर द ब्रिटिश, जो सेल्फ आत्मनिर्भर था गांव वो बिल्कुल अब खत्म हो गया था, पूरी तरह से ये डिपेंड हो गया था मनी लेंडर्स पर, अंग्रेजों पर, जमींदारों पर। पीजेंट वेयर फोर्स टू ग्रो कॉमर्शियल क्रॉप्स, जबरदस्ती उनसे कॉमर्शियल कैश क्रॉप्स लगवाया जाता था, जैसे टी, कॉफी, इंडिगो, और ये बड़े बड़े प्लांटेशन में लगाए जाते थे, बागानों में, जिसको कि बागानी खेती भी कहते थे। और ये इसको कैश क्रॉप इसलिए कहते थे कि ये आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता था, और इस सबसे ज़्यादा तो इसकी ज़रूरत उसे अंग्रेजों को थी अपने इंडस्ट्री को चलाने के लिए। और दीज क्रॉप्स वेयर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्टेट कॉल्ड प्लांटेशन ऑन बाय द यूरोपियंस, ठीक है। तो ये इतना सा ही बात था इस टॉपिक में, हमने इसे बता दिया है, आप बुक में भी एक बार देखना। और जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वो होगा पीजेंट रिवोल्ट, किसानों ने ये इस जो ये जो परिस्थिति थी, एक तरफ से तो वो अलग अलग तरह के सेटलमेंट बना के ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, और दूसरा इनको प्लांटेशन फार्मिंग में भी धकेल रहे थे जहाँ किसानों को कुछ नहीं मिलता था। तो इस परिस्थिति से परेशान होकर उसने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम पीजेंट रिवोल्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है।